प्रॉब्लम दी अपने, जिसके अंदर आपके सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। देखो कुछ हिडन जो जो ये प्रॉब्लम्स लिया आपने, ये जो प्रॉब्लम्स लिया है इसको अगर आप अच्छी तरह से देखते हैं, इस देखो आप जो प्रॉब्लम लिया है, ये प्रॉब्लम्स मैंने आज लिया है, इसको आप अगर अच्छी तरह से देखें तो ये क्या लग रहा है, देखो ये लग रहा है कि इसके अंदर आपको कुछ चीजें, जैसे ऊपर से जो क्या नहीं दिखेगा तो ऊपर से ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, है ना, और सामने से देखेंगे तो आपको ये पार्ट भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, और साइड से देखेंगे तो ये पार्ट सारा दिखेगा, ये भी दिखेगा, लेकिन ये जो इसके अंदर ग्रूव है, यहाँ जो होल कटा हुआ है, यानी कि ये जो होल कटा हुआ है, वो पार्ट आपको ऊपर से भी नहीं दिखेगा और आपको सामने से दिखेगा। इसमें टेपर वाला पार्ट भी आ जाएगा। अब टेपर वाला पार्ट जो चीज यहाँ जा रही है, इसमें ये कहाँ तक जाएगा, जैसे ये जो पार्ट है, ये टेपर वाला पार्ट आपके कहाँ तक जाएगा, इसकी लाइन की यहाँ इसमें किस ऊंचाई तक जा रहा है, ये अपने को लंबाई नहीं पता है, इसमें किस ऊंचाई तक जाएगा ये पता नहीं है, तो ये प्रोजेक्शन लाइन लेकर के अपने को प्रोजेक्शन डालकर ही इसके पता पड़ेगा कि ये जो है आपको फ्रंट व्यू में कितनी दूरी तक आएगा, टॉप व्यू में कितनी दूरी तक ये लाइन जाएगी, ये आपको प्रोजेक्शन लाइन के बिना पता नहीं पड़ेगा। तो इसमें अपने लगभग लगभग सारी चीज कवर हो जाएगी, हिडन लाइन कवर होगी आपके, प्रोजेक्शन लाइन कवर हो जाएगी, और डायमेंशन तो अपन देते हैं। तो ये अच्छा, बहुत अच्छा प्रॉब्लम मैंने आपके लिए चूज किया है, आप इसको थोड़ा देखें, बहुत अच्छी तरह से समझे। ये देखो अपने जब ये प्रॉब्लम दिया, पहले तो फिजिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि फिजिकल में कैसा दिख रहा है। देखो ये फिजिकल में देखो अपन देखते हैं तो ये ऐसा रखा हुआ है, जिसके अंदर इसकी लंबाई, ये जो लेंथ है आपका सामने से जो रेड पार्ट किया हुआ मैंने, ये 130 mm लंबा है। उसके बाद इसमें अपन सामने से देखते हैं तो इसकी लंबाई कितनी निकली, 130। एक्चुअली कभी भी अपन जब आइसोमेट्रिक या ऑर्थोग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। ड्राइंग पढ़ने का मतलब है कि उसकी डायमेंशन अपने को देखना आना चाहिए। सबसे पहला काम है कि वो किस साइज के क्यूबॉइड में से कटिंग करके बनाया गया है, वो उस साइज का क्यूबॉइड का अपन साइज निकाल लें। उस क्यूबॉइड का अगर साइज निकाल लें तो आपके जो प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाएगी। मतलब अपन जो है उसको उस बॉक्स के अंदर अगर आइसोमेट्रिक बनाना है तो भी बना लेंगे, और उस आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफ बनाना है तो भी बना लेंगे। मतलब फुल प्रूफ सिस्टम, जिसमें मूर्खता से भी अपन गलती करना चाहें तो वो गलती नहीं हो। अभी जो सवाल दिया हुआ है इसमें आपको ऑर्थोग्राफिक पोजीशन बनाना है, किधर से देखते हुए कि ई, जिधर से ई दिख रखा है उधर से आपको फ्रंट लेना है, और इसमें अगर साइड देखेंगे तो साइड आपको ये दिख रहा है कि ये दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट दिखेगा। जैसे अगर आपके सामने ये यू रखी हुई है, अब ये यू रखा हुआ है और मैंने फ्रंट इधर से लिया, किधर से लिया है, फ्रंट मैंने इधर से लिया है, तो साइड आपको ये थोड़ी दिख रहा है, साइड ये दिख रहा है। इसका मतलब है कि फ्रंट के राइट साइड में अपन जाकर के साइड व्यू देख रहे हैं, और टॉप व्यू तो हमेशा जिधर से फ्रंट देखते हैं उधर से अपन जाकर के ऊपर टॉप व्यू देते हैं। तो अपने पहले लिया हुआ है कि टॉप व्यू हमेशा फ्रंट की तरफ से ऊपर जाकर के अपन टॉप व्यू देखते हैं। तो तीन व्यू अपने को बनाने हैं, फ्रंट, टॉप और ये आपका साइड। अब फ्रंट व्यू आपका लिया, फ्रंट व्यू के किधर से देख रहे हैं अपन, राइट साइड से अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहला अपना जो प्रोग्राम जो इसमें देखना है कि इसका साइज क्या निकलता है। सबसे पहले अपन साइज निकालें, तो इसकी जो लंबाई है ये 130 mm है। चौड़ाई पर देखते हैं तो चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है इसने, 50 mm। तो टोटल ये 50 mm है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 50 mm है, 50 mm इसकी चौड़ाई है। ऊंचाई इसकी निकालते हैं, देखो अब ऊंचाई निकालते हैं तो देखो इसमें अगर अपन इसको देखते हैं तो गलती क्या होती है वो बताता हूँ मैं आपको। स्टूडेंट अगर देखता है, छात्र अगर देखता है तो ये 30 दिख रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर तक कितने आ गए अपन, 30 mm आ गए। 30 mm अपन ऊपर चले गए, इसके बाद ये इसमें सेमी सर्कल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेमी सर्कल दिख रहा है, अर्ध वृत्ताकार यानी कि सिलेंड्रिकल, अर्ध आधा सिलेंड्रिकल पार्ट है इसके ऊपर आपको दिख रहा है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या रेडियस के बराबर होगी, ये टोटल क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है, तो ये 30 होगा, यानी कि यहां से यहां तक कहीं भी जाएंगे तो आपका 30 होगा। इसका मतलब सेंटर से आप टॉप तक जा रहे हो तो आपका कितना हुआ, 30 हुआ, यानी कि आपका यहां से जो ये लाइन थी यहां से इसका सेंटर कितना, 30, और सेंटर से वापस ऊपर कितना, 30, तो टोटल कितना हो गया आपका, ये 60 हो गया, 60 हो गया। अब अगर बच्चे स्टूडेंट्स अगर थोड़ा जो भी है इसको सही तरह से नहीं देखता है तो इसकी ऊंचाई वो भी है, कहीं छिप रही है। देखो एक्चुअली क्या है, जब ये सामने से रखा हुआ है तो इतना सा ही कोना दिख रहा है आपको, जैसे ये आपके सामने यूं रखा हुआ है, अब ये यूं रखा हुआ है, इसमें आपको ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा कोना दिख रहा है, थोड़ा सा कोना आपको इसमें दिख रहा है, क्योंकि आपको यहाँ है, जब आइसोमेट्रिकली अपन देखते हैं तो थोड़ा सा पार्ट ही दिख रहा है। लेकिन जब आप इसको ऑर्थोग्राफ भी जाएंगे, जिसमें कहते हैं अपन लंब कोणीय प्रक्षेप, तो बिल्कुल जो ही सामने जाकर के लंब देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट नीचे आ रहा है ये भी आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा, यानी कि ये टोटल कितना है, 25। इस 25 में से 15 चला गया तो ये कितना बचेगा, ये आपके बचेगा, ये देखो ये टोटल कितना बता रहा है, यहाँ पे 25 बताया जा रहा है।
अब इस 25 में से ये पार्ट आपका कितना है 15 है, कितना है 15, 15 mm इसमें से चला गया तो कितना बचा 10 mm, अर्थात यहां से यहां तक का 10 mm सामने से देखने पर और दिखेगा, तो टोटल इसकी हाइट बनेगी वो बनेगी आपका 30 और 30 60 प्लस 10 30 30 60 और 10 70, यानी 70 mm, अर्थात ये मैं एक क्यूबॉइड अगर लेता हूँ जिसकी लंबाई 130 mm हो, चौड़ाई उसकी 50 mm हो और ऊंचाई 70 mm हो, उस 130x50x70 mm के क्यूबॉइड को कटिंग करके बिना कोई चीज जोड़े मैं इस चीज को बना सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं जब इसके प्लान एलिवेशन साइड व्यू बनाऊंगा तो उसमें मेरे को प्लान एलिवेशन और साइड व्यू की जो बॉक्स बनेंगे, जो आयत बनेंगे, उनकी लंबाई चौड़ाई आपको आराम से निकल जाएगी। अर्थात मैं जब आपका फ्रंट देखता हूँ, जब मैं इसका फ्रंट देखूंगा सामने से, जब मैं इसको देखूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा, सामने से देखूंगा तो ये लंबाई दिखेगी और ये ऊंचाई दिखेगी। इसका मतलब है कि मेरे को फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, जैसे मैं अगर मैं इसका बनाता हूँ तो सबसे पहला काम क्या होता है, देखो सबसे पहला काम अगर होता है अपने को जब ऑर्थोगोनल पोजीशन बनाना है तो आप रेफरेंस लाइन लें, तो ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन एक्स एक्स एक्सिस और ये आपका वाई वाई एक्सिस ले लिया, इनसे 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे दो लाइनें ले ली, 10 mm लेफ्ट में और 10 mm राइट में, अर्थात मैंने ये एक्स एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई वाई एक्सिस ले लिया, उससे 10 mm ऊपर 10 mm नीचे, और इस सेंट्रल लाइन यानी कि जो आपका वर्टिकल जो है प्लेन है या जो सेंट्रल लाइन है रेफरेंस लाइन है उससे 10 mm लेफ्ट में ये ले लिया और 10 mm राइट में ये लाइन ले ली। अब अपना डिसाइड करना होता है कि इसको किस में बनाना है, आपको थर्ड एंगल में बनाना है, थर्ड एंगल के अंदर आपका प्लान एलिवेशन साइड व्यू की पोजीशन कहाँ होती है ये डिसाइड करना होता है। तो सबसे पहला आप देखो कि थर्ड एंगल में बनता है प्लान ऊपर और एलिवेशन नीचे, ये आपको पहले बताया हुआ है हमने कि प्लान ऊपर बनेगा और एलिवेशन नीचे बनेगा। एक्चुअली थर्ड एंगल में क्या होता है कि जिस चीज को जिधर से देखते हैं उधर ही बनता है, और ये ध्यान रखें कि फर्स्ट एंगल में क्या होता है सब काम उल्टा होता है, फर्स्ट एंगल में सब काम उल्टा होता है, इसका मतलब टॉप क्या उल्टा होता है ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं नीचे बनाते हैं। फर्स्ट एंगल में तो क्या होगा कि प्लान या टॉप व्यू कहाँ बनेगा नीचे बनेगा और फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा उसके ऊपर बनेगा, ये काम फर्स्ट एंगल में और ये काम आपका थर्ड एंगल में होगा। तो फर्स्ट एंगल का बिल्कुल उल्टा थर्ड एंगल है, अब अपने को बनाना थर्ड एंगल में, इसका मतलब प्लान ऊपर और एलिवेशन नीचे। अब चलते हैं अपन साइड व्यू, तो अभी अपन ने क्या होता है जिधर से देखते हैं उधर ही बनता है। अब मैंने फ्रंट व्यू किधर से लिया, फ्रंट व्यू मैंने इधर से लिया, इसका फ्रंट व्यू मैंने यहाँ से लिया है, फ्रंट व्यू मैंने यहाँ से देखा है, फ्रंट व्यू देखने के बाद में मैं साइड व्यू देखने किधर गया हूँ राइट में गया, राइट में जाऊंगा साइड व्यू राइट से देखूंगा और राइट में ही बनाऊंगा। और साइड व्यू हमेशा कहाँ बनता है बताया हुआ है आपको कि साइड व्यू हमेशा एलिवेशन के साथ बनेगा, एलिवेशन अगर रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो ऊपर बनेगा और रेफरेंस लाइन के नीचे है तो नीचे बनेगा। इसका मतलब है कि आपका जो एलिवेशन के साथ में यानी कि या यहां बनेगा या यहां बनेगा। अब आपने साइड व्यू देखने किधर गए, अपन राइट में गए, किसके एलिवेशन के, तो एलिवेशन के राइट से देखेंगे और राइट में ही बनाएंगे। इसका मतलब है कि आपका यहाँ प्लान बनेगा, यहाँ आपका एलिवेशन बनेगा और यहाँ साइड बनेगा। हमेशा ध्यान रखो ये गलती तो होनी ही नहीं चाहिए कि आपका प्लान एलिवेशन और साइड व्यू कहाँ बनेंगे ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। इसमें अगर आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को समझाया हुआ है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, वो मैंने ITI एकेडमी यूट्यूब चैनल बना रखा है उस पर समझाया है। अगर जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं एक और गाइड देता हूँ कि मेरा फोन नंबर मैं आप नोट कर लें 9414677845 9414677845 इस पे आप अपना नाम, आपका ITI और आप कहाँ से हैं वो लिख करके मेरे को मैसेज डाल दें, मैंने जो ग्रुप बना रखा है उस ग्रुप पे मैं आपको ऐड करने का लिंक दे दूंगा, आप उसमें ऐड हो जाएंगे। तो आपको जो भी मैंने वीडियो डालता हूँ YouTube पे या मैं ऑनलाइन क्लास देता हूँ उसका मैसेज आपको आ जाएगा। तो ITI एकेडमी यूट्यूब चैनल आप ऑपरेट कर पाएंगे और मैं आपके लिए ग्रुप बना दूंगा, मेरे को आप इस पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर है मेरा ये, इस पे आप मैसेज करेंगे तो मैसेज करने के बाद मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और आपको लिंक देकर के आप अपने आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। लाइन बहुत ईजी है, समझ में आ जाए तो बहुत ईजी, नहीं समझ में आए तो पढ़ाई सबसे हार्ड है और समझ में आने के बाद सबसे ईजी है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले अपन ने काम किया था कि इसका बॉक्स का साइज निकाला, लंबाई 130, चौड़ाई आपको टोटल दिख रहा 50, ऊंचाई में अपन ने बताया था कि केवल यहाँ से 30 दिख रहा था, 30 ऊपर का दिख रहा था 60, लेकिन जब अपन इसको थोड़ा गौर से देखते हैं या इसको मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया तो आपको जब सामने से देखते हैं तो जब इसकी छाया बनेगी अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो नीचे यहाँ से स्टार्ट होकर के आपकी छाया ये बनेगी, अर्थात
साथ इसकी अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये छाया आपकी इसकी बनती है। इसका मतलब है कि इसके अंदर आपका ये ऊंचाई भी इसके अंदर जुड़ जाती है। तो 30, 30, 60 यानी 30, 30, 60 प्लस 10 अर्थात टोटल 70 इसकी हाइट होता है। तो ये इस बॉक्स में से बनता है। अब ले अपने इसका साइज निकाले तो फ्रंट में जो आपका दिखेगा, जैसे मेरा फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है आपका, यहाँ बन रहा है, और प्लान यहाँ बन रहा है, और साइड व्यू यहाँ बन रहा है। तो यहाँ जो अपन छोटा सा काम करें, ये आपका ओरिजिनल काम कर रहे हैं, यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन जो अपन एक्चुअल जो है वर्क प्लेइंग कराएंगे। ये आप यहाँ पे एक जो है छोटा सा आप बना के देख लें कि अपना कैसा बनना चाहिए, कहाँ कहाँ कैसी जानी चाहिए। तो उसके लिए एलिवेशन का साइज निकालें। तो फ्रंट में जब सामने से देखेंगे तो इसकी छाया क्या आएगी, इसकी लंबाई इतनी आएगी, ऊंचाई इतनी आएगी। इसका मतलब है कि लंबाई आपकी कितनी आएगी इसकी, 130 लंबाई आएगी, और ऊंचाई इसकी आएगी 70। साइड व्यू में जाएंगे, एक्चुअली क्या होता है, देखो फ्रंट में किसी चीज को देखते हैं तो जितनी उसकी ऊंचाई होती है साइड में भी उतनी ऊंचाई होती है। फ्रंट में किसी चीज की, जैसे सामने से आप इसको देखते हैं, सामने से आप अगर इसको देखते हैं इसकी ऊंचाई इतनी है तो साइड से भी ऊंचाई इतनी ही आएगी। इसका मतलब है कि साइड व्यू जो बनेगा उसकी ऊंचाई भी आपके 70 ही 70 ही आएगी, और साइड व्यू की जो चौड़ाई है वो आपकी कितनी है, 50। अब चलते हैं अपन टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू कैसे होता है, टॉप व्यू जिधर से, हमेशा ध्यान रखना कि टॉप व्यू जब आप लेते हैं तो फ्रंट व्यू जिधर से देखा जाता है टॉप व्यू उधर से ही देखा जाता है। फ्रंट व्यू की तरफ से ही टॉप देखने के लिए ऊपर चढ़ते हैं, यानी कि फ्रंट आपने इधर से लिया है, फ्रंट आपने इधर से लिया है तो टॉप व्यू आप कैसे देखेंगे। कई स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं और टॉप व्यू को यूं देख लेते हैं। अगर टॉप व्यू को आप ऐसे देखेंगे, टॉप व्यू को ऐसे देखेंगे तो आपका टॉप व्यू लंबाई में इतना हो जाएगा, लंबाई में अगर टॉप व्यू आपने यूं देखने के बजाय यूं देख लिया तो टॉप व्यू की लंबाई ज्यादा हो जाएगी, ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए अपन यहाँ बॉक्स बना देंगे तो बॉक्स बनाने के बाद में आपके गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब है कि टॉप व्यू की जो साइज आएगी, फ्रंट की जितनी चौड़ाई है उतनी की उतनी चौड़ाई आपकी टॉप व्यू की रहेगी, अर्थात ये आपका फ्रंट की चौड़ाई थी 130, तो 130 इसकी चौड़ाई रहेगी, ये 130 आएगी, और जो साइड व्यू की जो चौड़ाई थी ये वाली आपकी साइड व्यू की चौड़ाई आएगी 50। अब आप ये साइज के जो बॉक्स निकले आपके, यानी कि अपना जो नियम कहता है वो क्या कहता है, देखो कि फ्रंट व्यू की जो चौड़ाई होगी या लंबाई होगी, फ्रंट व्यू की जो लंबाई है वो क्यों आप टॉप व्यू की लंबाई होगी, फ्रंट की जो लंबाई है वो क्यों टॉप में देखेंगे तो लंबाई आएगी। मैंने साइज निकाली, 130 आपका इसका लंबाई है और ऊंचाई कितना आपका 70। फ्रंट व्यू के बाद में अपन टॉप व्यू में गए तो टॉप व्यू की लंबाई भी जो फ्रंट व्यू की थी वो आई 130, और चौड़ाई कितनी आएगी जो आपके साइड व्यू की थी ये 50। तो हमेशा ध्यान रखो आप, कभी गलती नहीं होगा कि ये दोनों बराबर आएंगे, ये दोनों आपके बराबर आएंगे, यानी कि साइड व्यू की और एलिवेशन की ऊंचाई बराबर आएगी, और साइड व्यू की ये जो चौड़ाई है वो टॉप व्यू की चौड़ाई के बराबर आएगी, ये यो बराबर आएंगे और ये यो बराबर आएंगे और ये यो बराबर आएंगे, हर चीज दोनों बराबर है। देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो अपन ने जो साइज निकली, अब अपन ने जो रेफरेंस प्लेन ले लिया, एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया लाइन ली, और ये वाई वाई आपका वर्टिकल लाइन ले दी, लंबवत लाइन ले दी। इस पे सेंटर से 10 mm लेफ्ट और 10 mm राइट आपने जो है मार्किंग कर दिया, लाइन ले दी रेफरेंस लाइन 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे, एक्स एक्स एक्सिस से 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे। एक्चुअली ऐसा क्यों करते हैं, नहीं तो क्या है, जब अपने को प्रोजेक्शन लाइन लेनी होती है उस समय अगर इनका गेप और इनका गेप अगर समान नहीं होगा तो प्रोजेक्शन लाइन आगे पीछे जाएगी और वो आपका गलती हो सकता है कर दे, और कितनी कितनी जो जो गेप यहाँ का है वो कोई गेप आपका यहाँ आएगा। इसीलिए अपन ने कहा कि 10 ये 10 ये, इसी प्रकार 10 ये और 10 ये लिया तो 20 ये हो गया, 20 ये गेप भी हो गया आपस में। चलो अब अपन सबसे पहले देखते हैं इसका फ्रंट व्यू। तो ये अपन ने डिसाइड करके अपन ने जो ये अपन ने इसके बॉक्स बना दिए, किसके बॉक्स बना दिए, एलिवेशन यहाँ बनना है, प्लान बनना है और साइड व्यू बनना है। इसका मतलब जो एलिवेशन की बॉक्स की साइज आई आपकी 130 और जो चौड़ाई आई है आपकी ऊंचाई आई उसकी कितनी 70। जो प्लान बनेगा ये प्लान कैसे अपन देखेंगे, ऐसे मत देखना क्योंकि फ्रंट जिधर से लेते हैं उधर से ही आपको प्लान देखना होता है। टॉप व्यू हमेशा फ्रंट जिधर से लेते हैं तो प्लान भी आप ऐसे लेंगे, यानी कि फ्रंट जिधर से लिया तो प्लान आप टॉप व्यू ऐसे देखेंगे। इसका मतलब टॉप व्यू देखेंगे तो आपके सामने ये टॉप व्यू ऐसा रहेगा। इसका मतलब है कि ये 130 आएगा और ये आपका जो इसकी चौड़ाई है साइड व्यू की ये आपका 50 आएगा। साइड व्यू में आपने इसको देखा तो ये कितना है 50 और ये आपका कितना है 70। ऐसा तो दिखेगा ही दिखेगा जिसके अंदर ये लाइन आ जाएगी। देखो सबसे पहले अपन फ्रंट व्यू देखते हैं तो फ्रंट में क्या दिख रहा है, ये आपने ले लिया आपने, अब देखो ये अगर आपने बना दिया ना आपका पूरा बॉक्स 130x70 और 130x50 और ये हो गया आपका 50x70। अगर ये आपने पहले बना लिया तो इसमें क्या होगा कि आपके गलती होने के चांसेस
खराब मतलब मेल बाइंडिंग हो जाएगी। अब अपन ने फ्रंट में क्या क्या दिख रहा है, देखो आपको फ्रंट में आपको एक तो जो मैं जैसे ये रेड से है तो मैं रेड पेन से सबसे पहला काम क्या करें उसको आप मार्किंग कर दें या उसको हैचिंग कर दें कि क्या क्या चीज आपको फ्रंट में दिख रही है। तो ये पार्ट आपको जो जो आपको फ्रंट में दिख रहा है मैं उसको लाल पेन से आपको शेड कर रहा हूँ। इतना सही कोना दिख रहा है जब ये कब आपको इतना सही कोना दिख रहा था, जब आप इसको यो देख रहे हैं, यो देख रहे हैं तो आपको इतना सही कोना दिख रहा है। लेकिन जब बिल्कुल सामने से देखेंगे तो ये पूरी लाइन दिखेगी, यानी ये वाला जो पार्ट है इतना सही है, लेकिन जब फ्रंट में देखेंगे इसको, जब आप सामने जाके देखेंगे तो पूरी लाइन ऐसे कैसे दिखेगी, ये आपको दिखेगा। और क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट जो है त्रिकोणा। अब जो जो चीज आपको दिख रही थी मैं उसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ। देखो सबसे पहले आपको नीचे वाला पार्ट ये दिख रहा है, ये क्या है साइज, इसकी साइज देखें तो यहां से ये टोटल कितना 25, यहां से टोटल कितना ले दें 25, उस 25 में से कितना जा रहा है आपका ये 15 ऊपर वाला पार्ट है तो कितना बचेगा 10, 25 में से आपका कितना गया 10। सबसे पहले आपको ये चाहिए, ये पार्ट दिखा आपको कौन सा वाला, ये पार्ट अर्थात ये वाला पार्ट आपने बना लिया। अब इसके बाद ये वाला पार्ट क्या है, यहां से टोटल कितना आ रहा था 25, 25 ऊपर, यहां से 25 के ऊपर ले लेंगे और 25 तक कम क्यों ना, यहां से 25 पे आपने देखिए मार्किंग किया, ये लाइन है, ये लाइन आपके कहां तक जा रही है कि जहां आपका इसका देखो अब और क्या दिख रहा है, ये लाइन मैंने डाल दी। अब इसमें इसका सेंटर जो लेते हैं, इसका जो सेंटर है जिसके ऊपर ये आपका सिलेंड्रिकल सेमी सिलेंड्रिकल पार्ट लगा हुआ है, वो सेंटर आपके इस लाइन से यानी कि 10 mm ऊपर वाली जो लाइन है उससे कितना ऊपर है, 30 mm ऊपर है। इसका मतलब है कि यहां से आप 30 mm ऊपर एक लाइन ले लें, यहां पे पॉइंट मार्क किया, इस पे मैं सेंटर लाइन डाल देता हूं। इस सेंटर से यहां ये सेंटर लाइन डाली, इसमें यहां से मैं कितना अंदर आऊं, देखो यहां से इसका डायमीटर कितना दे रखा 60, अर्थात मैं यहां से 30 अंदर आ जाता हूं, यहां से 30 आपने मार्किंग किया, ये मेरा 30 पे मैंने एक अलग सेंटर लाइन डाल दी। अब यहां पे ये सेंटर आ गया, मेरे पास क्या आ गया, इसका केंद्र बिंदु आ गया। इस सेंटर पर आप अपना कंपास रखें, कंपास रखा और चाप भरा, कितने 30 mm का चाप भर दिया, और 30 mm का चाप भर करके आपने ये चाप आपने लगा दिया, ये 30 mm का चाप आपने यहाँ खींच दिया, अर्थात ये वाला पार्ट आपने बना दिया। अब इसके अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो होल दिख रहा आपको, ये इसकी जो डायमीटर दे रखा 30, तो आप 15 mm का रेडियस का चाप लें, 30 mm का आपको यहाँ पे होल बनाना है, तो आप 15 mm का चाप भरें। अब ये लाइन आपको सीधी मिल रही है, ये वाला जो है इससे बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, तो ये आप स्ट्रेट लाइन पूरी खींच दें। इसके अलावा ये भी स्ट्रेट आ रहा है, उसके अलावा पार्ट जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उसके अलावा पूरा आ रहा है, ये जो पार्ट है आपका यहां से यहां तक दिख गया। अब इसके बाद ये वाला पार्ट है आपको दिख रहा है, तो 25 तक यानी पूरा ये लाइन आपको दिख रही। अब आपके क्या दिख रहा है सामने से और देखें, तो ये पार्ट हो गया आपका पूरा, ये पार्ट नीचे नीचे वाला और ये सामने वाला पार्ट, यानी कि एक पार्ट ये जो था, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट अब ये है। इसकी पोजीशन क्या है, देखो ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल इस प्रकार जा रहा है कि ये जहां इसमें टच होना चाहिए ना, बिल्कुल स्पर्श, बिल्कुल टॉप पे नहीं जा रहा है, बिल्कुल टॉप पे नहीं आएगा ये पार्ट, जहां इसको स्पर्श रेखा बनेगी वहां तक जाएगा। इसका मतलब आपने यहां पे आपने पॉइंट लिया और इस पे जहां ये स्पर्श करेगा उसको अपन मिला देंगे, केवल स्पर्श रेखा पे खींचनी है। देखो ये वाला पार्ट, यानी कि यहां आपको टच हो रहा है, बिल्कुल यहां नहीं आ रहा है, केवल यहां स्पर्श हो रहा है, वहां जहां स्पर्श होता है वहां तक आपने इसका आपने मार्किंग करके आपने लाइन इसके साथ मिला दी। तो ये क्या हुआ आपका, देखो फ्रंट व्यू में देखो कोई चीज छूटी तो नहीं, तो सामने से देखा आपको सब चीजें दिख रही है, इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो हिडन लग रही है फ्रंट व्यू में। सबसे पहले आपको ये पार्ट दिखा, अर्थात ये वाला पार्ट, एक बार फिर लाइन आपको शेडिंग करके बता देता हूँ। सबसे पहले जो तिरछा सा जो नीचे से पार्ट दिख रहा था, जो कि पूरी लंबाई में है, एक नंबर ये वाला पार्ट आपने, दूसरा पार्ट ये वाला, ये आपको दिख रहा है, तीसरा पार्ट जो आपका ट्राइंगुलर शेप है ये वाला पार्ट, तो
2 और 3, तीन पार्ट आपको सामने से देखने दिखे। अब जब फ्रंट व्यू बन जाता है तो आप बनाएंगे इसका टॉप व्यू। जब टॉप व्यू बनाते हैं, मैंने पहले ही बताया कि फ्रंट व्यू जिधर से देखते हैं उधर की तरफ से आप टॉप व्यू में जाते हैं, यानी कि टॉप व्यू मेरा ऐसा बनना है, ऐसे बनना है, न कि ऐसे मत बना देना आप गलती से। टॉप को आप ऐसे भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं। तो जब अपने अपना नियम क्या कहता है, जिधर से फ्रंट लेते हैं उधर की तरफ से आप टॉप व्यू देखने जाते हैं, इसका मतलब मैं टॉप व्यू को देखूंगा। अब आपने अगर ये पहले से ही बॉक्स बना दिया तो जो गलती करके आप यो बनाना चाहेंगे तो भी आप बना नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर यो बनाएंगे तो ये लंबाई यहाँ तक चल जाएगी और ये चौड़ाई इतनी आएगी जो कि इसके बराबर नहीं होगी, तो आपकी गलती होने का चांसेस खत्म हो जाएगा। तो ये बॉक्स बनाने कब, ये आपने जब अगर बॉक्स का पहले से ही निर्माण कर दिया। अब टॉप में अपन देखते हैं तो क्या क्या दिख रहा है। टॉप में जो मैं इसको ग्रीन मार्किंग करता हूँ, देखो ये अपना जो ग्रीन से शेडिंग दिख रहा है टॉप में मैंने पैसे किया, तो जहां जब ग्रीन शेडिंग आ रहा है यानी कि ये वाला पार्ट, ये आपको टॉप व्यू में दिख रहे हैं। अब क्या नहीं दिख रहा है, जब आपने इधर से देखा तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपको नहीं दिख रहा है। अब इसमें देखो कि इसकी चौड़ाई कितनी 12 mm और इसकी चौड़ाई कितनी 10 mm, अगर दोनों सेम होती, ये 10 है ये भी 10 होती, तो इसकी लाइन के नीचे इसकी हिडन लाइन दब जाती, लेकिन क्यों, क्योंकि ये 12 mm है और ये 10 mm है, तो इसकी हिडन लाइन जो आएगी, देखो ये यहां से देखेंगे 12 mm की चौड़ाई का, ये आपका 10 mm चौड़ाई है, ये 12 mm है, ये 10 mm है, 12 mm है और ये 10 mm है। तो जब टॉप से देखेंगे ये तो दिख रहा है, ये वाला पार्ट पूरा दिख रहा है, लेकिन ये जो पार्ट आपको टॉप में देख रहे हैं यानी कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपको नहीं दिख रहा है। और क्या नहीं दिखता है कि टॉप व्यू में देखा अपने, जब टॉप में ये देखा तो ये जो इसके अंदर ग्रूव कटा हुआ है, ये वाला जो ग्रूव कटा हुआ है, ये जो ग्रूव कटा हुआ है, ये भी आपको टॉप व्यू में नहीं दिखेगा। तो जो चीज नहीं दिखती है उसकी टोटल लाइन अपन लेंगे, जो दिख रहा है पहले उसको बना देते हैं। सबसे पहले क्योंकि इसको कंफर्टेबली और इजी बनाना है, जहां जहां कोई चीज आ रही है वहां से आप प्रोजेक्शन लाइन ले लेंगे, थोड़ा कंफर्टेबल इजी हो जाएगा। ये सेंटर लाइन है, आप सेंटर लाइन डाल दें, आप देखो कि सबसे पहले तो ये वाला पार्ट आपको पूरा दिख रहा है, तो ये पूरी ले लेना है। कौन सा दिखा, ये वाला पार्ट आपको ये दिखा, ये लाइन पूरी जा रही है, ये पूरा जा रहा है, यानी कि ये जो पूरा बॉक्स को पूरा कंप्लीट में एक बार बना ही दूंगा। इस बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा, बॉक्स से कोई चीज छोटी नहीं रहेगी। अब इसके अंदर ये वाला पार्ट, इसकी लाइन और ये वाली लाइन, अब ये लाइन कहां तक जा रही है, इसकी चौड़ाई कितनी 12 mm, तो यहां से अपन 12 mm नाप लेते हैं इसको। अब इसकी लंबाई कहां तक जा रही है ये नहीं पता पड़ रहा है, तो इसकी लंबाई ये कहां तक आएगी वो अपन अभी देखेंगे। उससे पहले मैं इसकी लाइन डालता हूं इसके सीध में, इसके सीध में। अब ये अंदर जैसे ये लाइन है आपका यहीं तक नहीं, आगे तक बढ़ रहा है, अब ये कहां तक बढ़ रहा है ये नहीं पता पड़ रहा है आप देखो, इसकी लंबाई कहां तक है ये लंबाई नहीं दे रखी है, लेकिन ये यहां से पता चल रहा है, कहां से, यहां से पता चल रहा है कि ये जो चीज है ये आपकी कहां तक जा रही है, इससे कहते हैं अर्थात यहां तक। तो इसको आप यहां तक लेकर के और इसको हल्का सा राउंड अप कर देंगे कि ये इसके सपोर्ट में यहां तक आ रहा है। ऊपर से देखने पे क्या नहीं दिखा, एक तो ये नहीं दिखा और एक ये वाला पार्ट नहीं दिखा। ये जो पार्ट है पूरी लंबाई में है और इसकी चौड़ाई कितनी है 10 mm, कितनी है 10 mm, अर्थात 10 mm के ऊपर आप हिडन लाइन आएगी, क्या आएगी, हिडन लाइन आएगी। हिडन लाइन कैसी होगी, 2 से 3 mm लंबी लाइन होगी और 1 mm का उसमें कीप रहेगा। अगर ये 12 mm है, नीचे भी 12 mm होता तो ये यहां तक की हिडन लाइन तो इसके नीचे आ जाती और बाकी की हिडन लाइन आपको दिखती। अब देखो ये और क्या चीज है जो आपको नहीं दिख रहा है, ये जो इसमें होल कटा हुआ है, जो ड्रिल होल कटा हुआ है वो आपको ऊपर से देखने के लिए दिख रहा है, तो इसकी क्या आएगी, रोटेट लाइन आएगी इसके सीध में। आप चाहे तो नाप लेके ले सकते हैं कि इसका डायमीटर कितना है, 30 mm है, जब 30 mm है तो सेंटर से 15 इधर और 15 इधर। हिडन लाइन अभी बताया कि 2 से 3 mm लंबी लाइन और 1 mm का गेप। जो आपने ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट था, ये ग्रीन वाला पार्ट आपका एक ये दिखा, एक ये वाला पार्ट जो आपको ऊपर से दिख रहा है, और ये वाला जो पार्ट है देखो, ये वाला कहां तक जा रहा था, यहां तक जा रहा था,
और उसके अलावा ये जो देखो सर्कुलर जो पार्ट होता है वो आयताकार दिखता है, सामने से देखते तो सर्कल दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो एक आयत बनेगा। साइड व्यू, साइड व्यू में आप देखो साइड व्यू में क्या क्या दिख रहा है, तो ये साइड व्यू है आपका, ये फ्रंट था साइड व्यू, राइट में गए फ्रंट से आप राइट में गए तो जो पीला वाला पार्ट मैंने कर रखा है, यानी कि ये जो पार्ट है जिसको मैं आपके ब्लैक से मैं इसको शेडिंग कर देता ताकि आपको समझ में थोड़ा आसानी रहेगी, ये दिखेगा, ये दिखेगा। इसके बाद आपको क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट पेपर वाला, और क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट, ये जो मैंने ब्लैक से शेडिंग किया है वो वाला पार्ट आपको साइड में दिखेगा। तो सबसे पहले तो अपन ने इसका बॉक्स लगाया हुआ था, इससे बाहर जाएगा नहीं, इससे छोटा रहेगा नहीं। सबसे पहले इधर ये वाला पार्ट, इसकी लेंथ कितनी है, ये यहां से यहां तक 10 एमएम, अर्थात आप यहां से 10 एमएम आएंगे, कितनी ऊंचाई तक जाएंगे, इसके सामने अगर मैं लाइन ले लेता हूँ तो ये लाइन आएगी हल्की सी, इसके सामने मैं अगर लाइन लेता हूँ तो ये लाइन आएगी, इसकी चौड़ाई कितनी है 10 एमएम, यहां से 10 एमएम लिया, ये मार्किंग किया और ये 10 एमएम ऊपर से लगे, ये कितना है 10 एमएम। तो सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट दिखा, ये वाला पार्ट आपका यहां से हट जाएगा, ये लाइन आपके बढ़ते बढ़ते पूरी 50 तक आ गई, फिर आप ऊपर गए यहां तक आए। अब देखो यहां तक आने के बाद क्या हो रहा है, देखो सामने से जब देखा तो आपको ये पार्ट दिखाई दिखा, यहां तक आ गए। अब इसके बाद ये जो चीज है उठ करके आगे आ गई, समझो आप ये जो पार्ट है आपका, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल सीध में है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल सीध में ऊंचाई के हिसाब से, इसका मतलब है कि इस लाइन की इस बिंदु के बाद ये लाइन आपको पूरी ऊपर चढ़ते हुए दिखेगी और यहां तक का जो पार्ट है पूरा ऊपर तक का दिखेगा, इसका मतलब है कि ये लाइन आपकी कंप्लीट टॉप तक चली जाएगी। उसके बाद ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है तो ये लाइन इसकी आ जाएगी, और ये वाली जो लाइन उतरते उतरते यहां तक, उसके बाद ये वाला पार्ट, क्योंकि इसके जस्ट बाद में ये पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो सामने से देखा तो ये चीज आपको दिखी, जो पार्ट आपको दिख रहा है देखो ये वाला पार्ट आपको ऐसा दिख रहा था ये, और ये वाला पार्ट ऐसा दिख रहा था। इसके अलावा क्या बच रहा है, तो ये जो 12 एमएम का है ये पार्ट, अब कितनी ऊंचाई तक जाएगा वो अपने को नहीं पता, ये भी क्या आएगा आपका प्रोजेक्शन से आएगा। तो यहां से सबसे पहले तो अपन 12 एमएम ले लें, कहां से उठ रहा है, इस जगह से उठ रहा है, अब कितनी ऊंचाई तक जाएगा इसमें ऊंचाई नहीं पता, इसका भी क्या है यहां से प्रोजेक्शन लेंगे। अब ये प्रोजेक्शन लाइन आप हर किसी एक प्रोजेक्शन लाइन लें, बहुत हल्की, इतनी डार्क नहीं, बिल्कुल हल्की सी लें, अर्थात ये जो लाइन है आपकी ऊपर यहां तक जाएगी, और ये आप प्रोजेक्शन लाइन लेकर के बिना इसकी लंबाई नहीं है ऊंचाई नहीं है, कहां से आएगा आपके कि ये जो सपोर्ट था यानी कि ट्रायंगुलर जो पार्ट था आपका इस पॉइंट तक है, तो ये अपन ने इसको लाइन, ये लाइन नहीं आएगी भाई, ये प्रोजेक्शन लाइन है केवल, प्रोजेक्शन लाइन आप बहुत हल्की आएगी और आपका ऑब्जेक्ट लाइन पूरी डार्क आएगी अच्छी से। अब देखो ये आपका साइड में मैंने अंदर लिखा हुआ था, यहां से हटा देंगे क्योंकि ये अपन ने रेफरेंस वर्क किया था स्टार्टिंग में, ये आप हटा दें, इसी प्रकार इसमें से प्लान लिखा था ये आप हटा दें, ये कच्चा काम किया था जिसमें था। अब आपको क्या नहीं दिख रहा था इसमें, क्या चीज नहीं दिख रही है, जब साइड व्यू में देखते हैं तो आपको जब इधर से देखते हैं तो ये जो इसके अंदर ग्रूव कटा हुआ है आपका जो है, इसके अंदर सिलेंड्रिकल जो होल कटा हुआ है 30 एमएम डायमीटर का, वो आपके साइड व्यू में जैसे टॉप से नहीं दिखा, तो अपन ने टॉप से इसकी ये डायमेंशन रोटेट लाइन का दी, वैसे ही इसकी साइड व्यू में जहां इसकी पोजीशन है जहां पे ये नहीं दिख रहा है वहां इसकी रोटेट लाइन आएगी। इसका मतलब है कि इसके सीध में ही देखो, अब इसमें क्या हो रहा है कि यहां से जितना ये ऊंचा है यानी कि इसके लाइन के सीध में ही इसका ये आ रहा है, ये जितना ऊंचा है यानी कि यहां से इसकी जो 30 एमएम में कितना है डायमीटर, कितना 30 है, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 15, और यहां से यहां तक ये भी कितना है आपका ऊंचाई 15 आ रही है, इसकी सीध में ये लाइन आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के पीछे ही इसकी रोटेट दब जाएगी, तो इसकी एक रोटेट जो इसकी जो एक रोटेट है वो रोटेट के ऊपर अगर मैं पूरी थर्ड लाइन डाल दूं तो दब गई, दूसरी रोटेट इसकी डाल दें, रेफरेंस लाइन ली या तो आप नाप से करें नहीं तो रेफरेंस लाइन डाल के सीधा रोटेट डाल दें, एक रोटेट तो आपकी दिख जाएगी, दूसरी रोटेट इस लाइन के नीचे यानी कि ये जो पार्ट आ रहा है
इस लाइन के नीचे ही इसकी दूसरी वाली रोटेट, ये इसी के सीध में है, ये जो है ड्रिल किया हुआ होल है वो बिल्कुल इसके लेवल में है, इसलिए दूसरी जो रोटेट लाइन है वो इसी के पीछे हिडन जो लाइन है इसके पीछे दब जाए। कहने का मतलब है कि हिडन लाइन ली और उसी के ऊपर आपने फर्म लाइन जो ऑब्जेक्ट लाइन डाल दी तो वो हिडन लाइन दब गई, इसलिए अपने हिडन लाइन एक ही दिखेगी, दूसरी इसके नीचे आ जाएगी। ये देखो ऐसा इसलिए कर लेते हैं, यहाँ जो मैंने ये देखो राउंडनेस दिया ना कि कभी भी शार्प कॉर्नर नहीं आता, ये जो सपोर्ट है शार्प कॉर्नर नहीं आएगा उसके ऊपर स्मूथली कर देगा, इसलिए अपन ने इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथली कर देते हैं अपन लाइन बनाते हैं जैसे यहाँ बनाया। तो देखो अपना ये क्या हो गया कि फ्रंट भी बन गया, टॉप भी बन गया और ये साइड भी बन गया। अब इसमें क्या लगता है आपका डायमेंशन, ये पहले जो कच्ची डायमेंशन थी उसको हटा दें, अपन इसको डायमेंशन दें, डायमेंशन भी बिल्कुल सफाई से दें, जो चीज जहां दे रखी है उसको वहीं देने की कोशिश करें। जब डायमेंशन लाइन देते हैं तो एरो हेड 1:3 के रेशियो में बनाते हैं, और ये जो लाइन देते हैं डायमेंशन की कम से कम 10 mm दूर, फिर अगली लाइन 8 mm दूर इससे दूसरी लाइन से। एरो हेड इस एक्सटेंशन लाइन, ये क्या कराती है एक्सटेंशन लाइन, बिल्कुल एक्सटेंशन लाइन के बिल्कुल टच करना चाहिए। एक्सटेंशन लाइन जब देते हैं तो आपकी ऑब्जेक्ट लाइन से 1 mm का गेप देते हुए ले ले या उसकी डार्कनेस का फर्क लेते हुए, मतलब जो डार्कनेस इसकी कम आएगी। इस पे अगर 10 kg का प्रेशर है तो इस पे 20 kg का प्रेशर। सामने से आपको क्या दिख रहा था, ये दिख रहा था, ये दिख रहा था, ये अपने दे दी, और क्या दिख रहा है 12, ये वाला पार्ट आपको कितना है 12। जब गेप कम होता है तो आप बाहर से एरो हेड लगा सकते हैं और अंदर उसमें देख सकते हैं। फ्रंट व्यू में देखते हैं इसके डायमेंशन आप यहां नहीं देंगे, रोटेट पे डायमेंशन देने के बजाय अपन ये देंगे, तो ये है आपका कितना 30। ये कितना है 60। देखो डायमेंशन करते हैं, ये 30 हो गया, 60 हो गया, ये आपका 50 हो गया, 130 अपने दे दिया, 30 अपने। अब इसका सेंटर कितना ऊंचा है, सेंटर कितना है 30 mm ऊपर है आपका, जो है लगभग कंप्लीट हो गया अपना लॉन एलिवेशन साइड। इनका नाम लिखते बनाया उसी के बिल्कुल जस्ट नीचे और बीचों बीच। अपने जब लिखने का काम करें तो लिखने का काम भी अपन किससे करेंगे, लाइन अपन जो है वो पहले लाइन डाल करके उसमें लिखेंगे। ये क्या बनाया अपन ने एलिवेशन, ये रेफरेंस लाइन लिखी है, ये इसलिए देते हैं कि आपको पढ़ने के बाद ये बिल्कुल नजर ना आए जब आप इसको हल्की लाइन से खींचे और सीध में बने, इसके जो पूरे जो है अक्षर जो लेटर्स बराबर साइज के आए, इसलिए अपन ऐसा करते हैं कि लाइन लेकर के अपन उसके अंदर लेटर राइटिंग करते हैं। प्लान एलिवेशन साइड व्यू कंप्लीट हो गया आपके, सीखें। ड्राइंग बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है, अगर आप करेंगे समझेंगे और उसको बनाएंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो आप आईटी एकेडमी चैनल पे मैंने बहुत सारी फॉर्म्स समझा रखी है, आइसोमेट्रिक भी, ऑर्थोग्राफिक भी, लेटर राइटिंग क्या होता है, आपके जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो सारे जो है लगभग 40-45 करीब वीडियो दे रखे हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको कैलकुलेशन की वीडियो भी मैंने उस पर अपलोड कर रखे हैं, वो आप देखें। और एक चीज बताऊँ, अगर आपने वहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, आप नहीं खोल पा रहे हैं, तो आपको मैं मेरा मोबाइल नंबर देता हूँ 9414677845। इस पे मेरे को व्हाट्सएप कर दें, आपका नाम, आईटीआई का नाम और कहाँ से आपकी आईडी है तो वो लिख करके आप व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा जिससे आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उसका आपको मैसेज में कर दिया करूँगा, जो ऑनलाइन क्लास लेता हूँ उसकी भी मैसेज मैं आपको कर दूंगा, तो आप उसमें ऑनलाइन क्लास में आप इजीली मेरे साथ जुड़ सकेंगे और समझ सकेंगे। आपको वीडियो समझ में आया होगा। हाँ एक चीज़ हो, इसमें जब अपन बनाते हैं तो इसके अंदर आप इसका सिंबल भी बनाएं, किसका, थर्ड एंगल का, थर्ड एंगल है तो थर्ड एंगल का आप सिंबल बनाएंगे। अब थर्ड एंगल का सिंबल क्या बनता है, कैसे बनता, देखो ये ऐसा बनना है। अब इसको मैंने
जो पार्ट था पेपर वाला पार्ट ऐसा बना दिया जा। अब मैं इसको इधर से जाके देख रहा हूँ, इधर से जाके देख रहा हूँ, तो मैं किधर गया, लेफ्ट से देखा, इधर लेफ्ट से देखा और लेफ्ट में बना दूं, इसका मतलब ये किसका होगा, थर्ड डिग्री का सिंबल होगा। जब लेफ्ट से देखूंगा पहले छोटा सर्किल दिखेगा और फिर आपको बड़ा सर्किल दिखेगा, ऐसा जो सिंबल बनेगा ये आपका थर्ड डिग्री का सिंबल होगा। और ये चीज मैं इधर से देख करके इस चीज को इधर बना देता है, यानी कि इस सर्किल को मैं इधर बना देता, दोनों सर्किल को मैं इधर बना देता, तो किसका बन जाता, फर्स्ट डिग्री का सिंबल बन जाता। तो जब आपकी प्रॉब्लम आए तो आप ये जो चीज है मैंने लिखा है ये भी इसके साथ के अंदर आप बनाए, तो ये आपका आपको मार्क्स ठीक मिलेंगे। भाई इससे ये विदित होता है कि स्टूडेंट्स को नॉलेज है इस चीज का भी थर्ड एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल वापिस अपने को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर, आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को वीडियो जो मैंने अपलोड किया कर करूंगा इस पर यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे और कोई चीज पढ़नी है उस पर मैसेज कॉलम आता है उस पर आप मैसेज कर दें। तो अभी ये भी जो प्रॉब्लम नहीं है मैंने, जैसे पहले मैं मैसेज दे रहा था कैलकुलेशन दे रहा था, लेकिन स्टूडेंट्स का सर आज आप जो ऑर्थोगल पोजिशन की दें प्रॉब्लम, ऑर्थोगल पोजिशन समझाएं, तो मैंने आज ऑर्थोगल पोजिशन की एक प्रॉब्लम वापस ली है। तो आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है कैलकुलेशन में और ड्राइंग में, वो आप यूट्यूब में मेरा जो चैनल है उसके ऊपर आपके मैसेज बॉक्स है उसके अंदर आप मैसेज कर दें, मैं आपको अगर 20 से 30 बच्चों का अगर उसमें कमेंट्स आता है सेम चीज़ के लिए तो मैं उस चीज़ का लेसन तैयार करके आपको YouTube पे दे दूंगा। थैंक्स, आपको वीडियो समझ में आया होगा, लेसन समझ में आया होगा, आप मेरे जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, जो स्टूडेंट्स आपका जो है नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं उनको आप शेयर करें, ताकि वो लोग भी आपके इसको वीडियो को देख पाएंगे और आराम से।